नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। अंतरिक्ष में भारत इतिहास रचने की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से भारत का मिशन मून शुरू हुआ है, तब से हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ साथ सभी देशों की स्पेस एजेंसियों और लोगों की नजरें हमारे इस मिशन पर लगी हुई हैं। यहां बताने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, जिसके बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए इसरो ने बताया कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होना शुरू हो गया है। इसके बाद अब प्रणोदन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार है, यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिनों दूर है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और वो चांद के और नजदीक पहुंचता जा रहा है। हालांकि चंद्रयान 3 ने अगस्त के ही 6, 9 और 14 तारीख को सफलतापूर्वक चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया था, लेकिन अभी असली टेस्ट होना बाकी है। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर विक्रम को 23 किलोमीटर की ऊंचाई से निकटतम बिंदु और 16 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट से गुजरना होगा, यानी व्हीकल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। आपको यहां ये बताना भी जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एग्लोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये बात भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी के साथ वीके न्यूज भी यही उम्मीद करता है कि भारत का तिरंगा चंद्रमा पर जरूर लहराएगा और 23 अगस्त को एक बार फिर हम अपने दर्शकों को मिशन मून की सफलता की खबर देंगे। तो चंद्रयान 3 के लिए आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें इनबॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।